बेचारी जिया रो रही थी कुछ देर पहले, अब थोड़ा शांत है। जिस चीज के लिए हम लोग आए हुए थे वो चीज सफल हो गया। गाना चलना चाहिए इस लॉन्ग ड्राइव पे, चल चल। अभी हम हैं ससुराल में, कल तो शूट कर नहीं पाए क्योंकि बहुत ही थक गए थे हम लोग और थोड़ा सा फैमिली मेंबर के बीच में कंफर्टेबल भी नहीं है हम लोग, तो सोचे कि आज शूट करेंगे। आज सुबह हम लोग निकल रहे हैं गंगा किनारे। आप लोगों ने जो भी होली का व्लॉग देखा होगा उसमें हमने दिखाया था वो गंगा किनारे का सीन, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। देखिए जिया उस साइड है, जिया भी निकल रही है, आगे रिया है और इधर मेरे साली साहब है, तो हम लोग चल रहे हैं गंगा किनारे और वहां चलकर करते हैं ढेर सारी मस्ती। ये है जी बगीचा हमारा। इस बगीचे के नीचे थोड़ा समय बिताने में बड़ा मजा आता है। कितनी भी धूप हो यहाँ पर आ जाइए, आपको धूप का एहसास ही नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम लोग। वैसे तो हमें इधर आने का मौका मिलता नहीं है, लेकिन जब पतिदेव आते हैं तो उनकी वजह से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और मेरे साथ साथ बाबू और रिया भी बाहर निकल जाते हैं। और जी हम पहुंच गए गंगा किनारे और इधर जो है बाहर, ओ भाई कहां से नहाएगा लोग इसमें। जब आखिरी बार हम लोग आए थे तो पानी जो था यहां से लगभग लगता है 10-15 कदम आगे हो करके था, बहुत आगे था। और अभी देखिए क्या हाल है, एकदम रोड किनारे तक आ चुका है ये। यहाँ पर हम लोग किधर भी जा रहे हैं तो भीड़ काफी है और पानी तो है ही दुनिया भर का, तो हम लोग वैसे ही लौट रहे हैं जी। हम लोग सोचे थे कि थोड़ा गंगा किनारे अपना समय बिताएंगे, थोड़ा आसपास घूमेंगे जो गंगा का तट होता है, लेकिन यहाँ पर इतना पानी है कि वहाँ जाने तक का नहीं है। देख रहे हैं यहीं तक पानी आ गया है, पहले पानी होता था यहाँ नीचे से उतरते थे 10-15 कदम दूर हटके पानी रहता था, तो और सोचे कि जा करके कहीं नहा भी लेते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इस कोरोना के टाइम में भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे। गंगा जल भरने के लिए डब्बा सब भी उठा कर लेके आ गए थे, कुछ नहीं कर पाए। तो जी फिर चलते हैं अब घर की तरफ। लेकिन बेचारी जिया से तो रहा नहीं गया, वो चली गई गंगा किनारे चेक करने कि कितना पानी है, और जब मन में पूरा संतुष्टि हो गया तब वहां से साइड निकली, नहाने गई थी ना। फिर जी हम लोग निकल लिए घर की तरफ, और जब घर की तरफ निकल रहे थे तब गांव की एक दादी मिल गई, तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा कि जी अब तो हम घर जा रहे हैं, गंगा किनारे आए थे हम लोग, बहुत ज्यादा पानी है इधर, हम लोग नहीं नहा पाएंगे। तो वो कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, आप लोग चलो उधर लौटो और हम आप लोग को नहवा देते हैं, गंगा किनारे आकर के बिना नहाए नहीं जाना चाहिए। तब उनके साथ आ गए हम लोग, देखिए जी यहाँ अपना डुबकी मार रहे हैं, इतना सा पानी में डुबकी लगा रहे हो आप, पूरे अच्छे से डुबकी भी नहीं लगा। अब कितना पानी था उसमें कहाँ से पूरा डूबेंगे, जितना झुक पा रहे थे अपना झुक रहे थे, थोड़े से ही पानी में स्नान कर लिए क्योंकि उधर बहुत ज्यादा पानी था इस वजह से। हाँ जी थोड़ी दूर आगे मतलब वो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी, यहाँ से अगर 2 कदम आगे चले जाए तो वहाँ डूब जाएंगे हम लोग, इतना पानी। जो कपड़ा पानी क्या रहता है। फिर जी हम लोग जैसे तैसे अपना स्नान करके वहां से हम लोग अपना निकल लिए, और जब वहां से निकल रहे थे तो जिया जो है बड़ा संभल संभल के ऊपर चढ़ रही थी, इसको इतना डर लग रहा था, डर नहीं लग रहा था, मेरा कपड़ा गीला था पूरा, तो इस वजह से हम ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे, फिसल रहे थे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद उन दादी का। तो अब हम लोग का हो गया गंगा स्नान, गंगा जल भी भर लिए है, भींगे भींगे चले घर। बिल्कुल घर कुछ ही दूर पर है, तो अब वहाँ जा करके अपना कपड़ा चेंज करते हैं। जो है घर की तरफ लौट रहे थे गंगा किनारे से, और जब रास्ते में लौट रहे थे तो हमें कुछ यहाँ पर अलग तरह का दिखा इस बार, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर शहद का उत्पादन हो रहा है, और इसी बगीचा में जो है जिया ने वट सावित्री का व्रत किया था।
अच्छा जिया, यहाँ पर मधुमक्खी पालन होता था क्या पहले? जब भी हम आए आज तक नहीं देखे, इस बार पहली बार देखे कि मधुमक्खी पालन हो रहा है। आप देखोगे कैसे, ये आम के सीजन में होता है, आम के सीजन में आप पहली बार आए हो तो। हाँ ये तो बात सही कि आम के सीजन में पहली बार आए हैं, और उस टाइम ध्यान है जब भी हम आए थे, पिछली बार आई थी वट सावित्री के टाइम, और उस टाइम जो है पूरा ये खाली मैदान था और वो धागा दिख रहा है बंधा हुआ पेड़ में। और एक चीज यहाँ पर देखिए आप, सभी भैंस को भी ले आया गया है, सभी ये गंगा किनारे ही रहते थे पहले। वहाँ पे क्या होता था, खेत में रहता था सारा भैंस। अच्छा, इसमें तो पानी आ गया, इस वजह से यहाँ पे रह रहा। ओके, यही था कुछ यहाँ का। आप सोचा कि आप सभी को दिखा दें, तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हुए थे वो चीज़ सफल हो गया। ऐसा लग रहा था कि आज गंगा स्नान कर नहीं पाएंगे, गुस्सा आ रहा था इतना ज़्यादा, मतलब इतना डरते हैं हमें गांव के, तो हमको तो पता है ना क्या करना है, ज्यादा केयरिंग बनने लगता है। हाँ, तो आप सबको शायद ध्यान हो या नहीं, एक वीडियो में हमने बताया था उसी गंगा किनारे ये जिया डूब रही थी एक बार, और फिर वहीं पर जा रही थी कुछ सेल्फी लेने के चक्कर में हम डूब रहे थे। इतना उत्पाती है, तो उत्पाती सबको उस जगह नहीं लेके जाना चाहिए, बंदर के हाथ मस्तूर नहीं देना चाहिए। हम लोग घर जा रहे हैं, घर में अपना नाश्ता पानी सब होगा, उसके बाद निकलेंगे हम लोग कॉलेज के लिए। जो जिया का काम है कल नहीं हो पाया, जिसलिए आए थे, बहुत थक गए थे आने के बाद, आते ही सो गए, इस वजह से हम वीडियो भी नहीं बना पाए। ठीक है चलो। फिर जी हम लोग घर पहुँच कर खाना खाए, और खाना खाकर वहाँ से हम लोग निकल लिए कॉलेज के लिए, और घर में कुछ वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा वहाँ पर वीडियो शूट करना, उतना कंफर्टेबल थे नहीं, और जिया रो भी रही थी तो वो भी मोमेंट कैप्चर नहीं किया हमने। A few moments later. अभी हम अपने ससुराल से जा रहे थे घर की तरफ, और बीच में ही ये मैम मिल गई। प्रिया नाम है आपका, आपका नाम क्या है? अश्विनी जी। तो ये लोग मिल गए, ये इशारा करने लगे कि आपका वीडियो देखते हैं, तो हम लोग भी रुक गए, तो थोड़ी देर बातचीत हुई। तो बताइए कब से जान रहे हैं आप हम लोग को? जब से 2-3 महीने से टिकटॉक पे फॉलो कर रही थी मेरी छोटी बहन। अच्छा, ठीक है, तो वो उनको बता दी कि ये सीरियल है, हमेशा आते रहते हैं इस पे, तो उनको बहुत अच्छा लगता है देखो। अच्छा, लेकिन तो पहचान लिया, बोली रुके रुके। चलिए जी, थैंक यू। तो जानकर अच्छा लगता है कि आपका जो वीडियो है जगह जगह तक पहुँच रहा है, लोग का पहचान। तो अभी हम लोग रोड के किनारे लग रहा है, ज्यादा देर यहाँ वीडियो शूट करना सही नहीं है। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। यहाँ पर आए हुए हैं मंदिर, तेतरी मंदिर है, और यहाँ का काफी प्रसिद्ध मंदिर है। बेचारी जिया रो रही थी कुछ देर पहले, अब थोड़ा शांत है। तो अब चलते हैं, माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं और उनका दर्शन करते हैं। जब भी हम लोग इधर से गुजरते हैं तो ये मंदिर जरूर आते हैं, रास्ते में ही पड़ता है, और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। जी हमने माता रानी के दर्शन कर लिए और आशीर्वाद ले लिए, और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जिया के कॉलेज। तो जिया का काम ख़त्म करते हैं, जो भी कॉलेज का काम है, फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। फिर जी हम लोग निकल लिए कॉलेज की तरफ, और जब भाई साहब कॉलेज की तरफ निकले, धूप जो थी इतनी तेज, लेकिन धूप को भी इग्नोर कर रहे थे, क्यों? क्योंकि मज़ा आ रहा था जी, कई दिनों बाद मौका मिला था बाहर निकलने का, वो भी बाइक पर और वाइफ के साथ। फाइनली सारा काम हो गया, और थैंक गॉड कि इतना जल्दी हो गया। ख्याल से लगता है कोई काम ऐसा था भी नहीं, जबरदस्ती आ गया यहाँ पर। कुछ भी नाम करेक्शन का काम था। हाँ। वो भी बताए कि हिंदी में ऐसा नाम है, कहता नहीं हिंदी के लिए कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में सब सही है कि नहीं, तो कहे कि हाँ जी वो सब सही है, तो जाइए आप लोग, तो होगी हम लोग का काम। इसी बहाने में आपकी मायके घूमी की नहीं? बहुत बढ़िया। आपको क्या पता, आप तो हमेशा अपने घर में रहते हो। अच्छा, हमें अपने घर से दूर रहना पड़ता।
सबको क्या पता चलेगा। बहुत बढ़िया, इतनी खुशी हो रही है लेकिन दुख भी हो रहा है कि अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, लग रहा है कुछ छोड़ के आए हैं। कोई नहीं, कॉलेज के बहाने आती रहेगी यहाँ पर। हाँ, तो मैं तो कोई ना कोई काम लगते रहेगा। और यहाँ कॉलेज में भी बहुत भीड़ है। अपनी जो फैमिली है जिया शाश्वत राय की, बहुत तो इसके बहुत सारे मेंबर भी मिल गए। बताइए कैसा लगा मिलकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो पहली बार वीडियो हम लोग का कब देखा था आपने? टिकटॉक पे देखे थे। टिकटॉक पे देखे थे। तो अभी फॉलो कर रहे हैं कहीं पर? हाँ, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पर हम लोग का नहीं देखते हैं? हाँ, यूट्यूब पे भी देखते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यूट्यूब पर ही आने वाला है, तो आप लोग देखिएगा फिर। ठीक है, तो आप अपने अपने कॉलेज के काम पर लग गए हैं। लड़की ऐसी थी जिनको थोड़ा सा मन में हिचक हो रहा था कि बात करें कि नहीं करें, कैसा लगेगा, तो वो लोग ग्रुप में आए, फिर बात किया। हाँ। फिर वहाँ गए हम लोग प्रिंट निकलवाने, तो वहाँ भी मिल गई हमारी फैमिली मेंबर के कुछ, तो बहुत अच्छा लगा, रास्ते में मिल गए। अच्छा लगता है जानकर कि अपने वीडियो जगह जगह तक पहुंच रहे हैं, सभी लोग जान पा रहे हैं हम सभी को, और हमारे यहाँ परिवार इतना बढ़ते जा रहा है। तो जी, अब चलते हैं घर। फिर जी, जैसे ही कॉलेज का काम खत्म हुआ, हम लोग निकल लिए अपने घर की तरफ। और जब घर की तरफ जा रहे थे, और बीच में जो रास्ता पड़ रहा था जी, आसपास जो नज़ारा था पूछिए मत, मज़ा आ रहा था। बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, गाड़ी को रोक के कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील के लिए वीडियो बना रहे हैं, और पूछिए मत, फुल नहीं कहते हैं, पूरा मज़ा लेना इस राइड का, पूरा पैसा वसूल, खूब मज़ा लिए जी। अभी हम लोग कुर्सेला पुल के पास है, कुर्सेला पुल के पास नज़ारा देखिए, क्या जबरदस्त नज़ारा है जी इधर का, एकदम लग रहा है एकदम, ओ हो, बीच सड़क दोनों साइड पानी और उधर आसमान, नीला नीला आसमान, ओ भाई साहब मजा आ गया। कई दिनों से चाह रहे थे कि बाइक से थोड़ा टूर पर आए, फाइनली अपनी वाइफ के साथ आगे टूर पर, मज़ा आ रहा है वाइफ के साथ। लॉन्ग ड्राइव गाना चलना चाहिए इसको, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल। अगर आपने हमारी तरह इस वीडियो को एंजॉय किया जी, जब हम राइड किए उसका तो अलग मजा था ही, जब वीडियो को एडिट कर रहे थे उस टाइम भी खूब मजा कर रहे थे। तो सच में अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जी कमेंट करके बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है जी, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। और जी, जो भी बिहार का कुछ दृश्य देखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।